तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें लिली और अलाया को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। वहां अलाया लिली से कहती है, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। जहाँ पर गैया भी उसे जाने की परमिशन दे देती है तो लिली भी उसे परमिशन दे देती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ रुक गया होता है। वहाँ जुन एक्सुआ से पूछता है, क्या ये तुमने किया है? जहाँ पर एक्सुआ जुन से गुस्से में कहती है कि तुम कब तक उसके साथ ऐसे ही रहोगे। वहाँ जुन ये देखकर अलाया से जल्दी दूर भागता है और एक्सुआ को समझाने लग जाता है कि तुम गलत समझ रही हो, ये बस एक्शन एम्पायर की स्टूडेंट है। वहाँ जुन अलाया से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ पर अलाया बताती है कि मुझे आर्बिट्रेशन अथॉरिटी ने परमिशन दी है। वहाँ जुन इस बात को सुनकर अलाया से पूछता है कि आर्बिट्रेशन अथॉरिटी क्या है। जहाँ पर सैंडोरा जुन को अथॉरिटी के बारे में बताती है। वहाँ जुन अथॉरिटी के बारे में सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लग जाता है, क्या वो मुझसे काम कराएंगे। जहाँ पर अलाया बताती है, मैं यहाँ पर होम प्लेनेट के कनेक्शन को ज्यादा अच्छा करने के लिए आई हूँ। वहाँ जुन इस बात को सुनकर थोड़ा सा खुश हो जाता है और अलाया से कहता है, क्या तुम अपने पंखों को गायब कर सकती हो। जहाँ पर अलाया अपने पंखों को गायब करने की कोशिश करती है लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो पंख वापस आ जाते हैं। वहाँ पर जुन ये देखकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है तो सैंडोरा जुन को बताती है, हम अलाया को छिपा सकते हैं। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर सैंडोरा से इसके बारे में पूछता है तो सैंडोरा जुन को बताती है कि अलाया भी विचुअल कनेक्शन से तुम्हारे साथ कम्युनिकेशन कर सकती है। वहाँ जुन इस बात को सुनकर सैंडोरा से कहता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर अलाया जुन को गले लगा लेती है जिसके बाद अलाया वहाँ से गायब हो जाती है। वहाँ जुन ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिर एक्सुआ रोके हुए टाइम को शुरू कर देती है। जहाँ पर ये सभी व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या था। वहाँ चिल्ड जुन और इन सब व्यक्तियों को रुकने के लिए कहता है लेकिन लिन जुन को यहाँ से चलने के लिए कहती है। फिर तभी वहाँ पर मू और बनाओ भी आ जाते हैं। वहाँ चिल्ड बनाओ को देखकर जल्दी से उसकी तरफ आने लग जाता है लेकिन बनाओ अपनी पावर का यूज करके चिल्ड को दूर फेंक देती है। जहाँ पर ये सभी व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर मू और बनाओ जुन से इसके लिए माफी मांगते हैं। वहाँ ये सभी सिपाही ये देखकर हैरान हो जाते हैं और इनके आगे झुक जाते हैं। जहाँ पर जुन उन्हें उठने के लिए कहता है वहाँ मू जुन को बताता है, हमारा राजा आपका इंतजार कर रहा है। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और उनके साथ चलने के लिए हाँ कह देता है। फिर अगले ही सीन में हमें इन सभी लोगों को महल के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर इनका बड़ी धूमधाम से स्वागत किया जाता है। वहाँ जुन ये सब कुछ देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है तो सैंडोरा उसे एक रूलर की तरह चलने के लिए कहती है। फिर ये सभी लोग महल के अंदर पहुँच जाते हैं। महाराजा ये देखकर हैरान हो जाता है कि इनका रूलर बहुत ही यंग है। फिर राजा इन सभी लोगों का स्वागत करता है और उन्हें ऊपर चढ़कर बात करने के लिए कहता है लेकिन जुन राजा को रोककर कहता है, क्या हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। वहाँ राजा इस बात को सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और फिर इस व्यक्ति को कौंसल चैम्बर रेडी करने के लिए कहता है। जहाँ पर ये व्यक्ति रूम को रेडी करने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कौंसल चैम्बर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी व्यक्ति बैठे हुए होते हैं। वहाँ एक व्यक्ति चाय को लेकर आता है तो जुन राजा से पूछता है, क्या हम इसे पी सकते हैं। जहाँ पर राजा इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लग जाता है, क्या इस व्यक्ति को इस चाय के अंदर जहर लग रहा है। फिर राजा इस व्यक्ति से जुन को चाय देने के लिए कहता है। वहाँ जुन राजा से कहता है, मैं ये सब कुछ खुद ही करता हूँ। जहाँ पर राजा इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और जुन को एक अच्छा रूलर समझने लग जाता है। फिर राजा खुद ही जुन को चाय देता है। वहाँ जुन ये देखकर राजा को शुक्रिया कहता है। फिर ये सभी केसर के बारे में बात करने लग जाते हैं। वहाँ राजा इन्हें बताता है कि कीवा सिटी के बॉर्डर में दो मोस्टर्स के ग्रुप हैं जिसको सैंडोरा ना कहती है और इन्हें बताती है
है कि तीन ग्रुप हैं, जहाँ पर ये दूसरा व्यक्ति सैंडोरा से कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम उन डीमंस को जानती हो, जिस पर सैंडोरा उन्हें केसर के बारे में बता देती है। वहाँ ये व्यक्ति इस बात को सुनकर कहता है कि इसका मतलब है वो व्यक्ति पहले एक्शन एम्पायर का रूलर था और अब वो एक डीमन बन गया है। जहाँ पर सैंडोरा जवाब देती है कि केसर आवाज से इफेक्ट है। वहाँ जुन और लिन इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि सैंडोरा ने उसकी बात का जवाब दिया। फिर जुन राजा के पास जाकर उससे कहता है हम आवाज के साथ लड़ने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। वहाँ राजा इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर जुन राजा के साथ एक डील करता है कि मुझे ओल्टन चाहिए। वहाँ राजा इस बात को सुनकर जुन से कहता है क्या तुम्हारी टेक्नोलॉजी ठीक और अच्छी होगी। जहाँ पर सैंडोरा कहती है कि तुम कितने मॉन्स्टर्स को मार सकते हो। वहाँ बनाओ इस बात को सुनकर जवाब देती है कि हम आधे से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। जहाँ पर सैंडोरा इस साइड इनके ऊपर छोड़ देती है और इन्हें बताती है कि हम बेस्ट साइड को संभाल लेंगे। जहाँ पर ये तीनों व्यक्ति इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन राजा इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है। फिर ये सभी डिंगडोंग के बारे में बात करने लग जाते हैं। वहाँ जुन जल्दी से डिंगडोंग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन डिंगडोंग सोते हुए खाने के सपने को देख रही होती है और वो गलती से जुन की उंगली को काट लेती है। जहाँ पर जुन जोर से चलाता है, वहाँ डिंगडोंग बाहर निकलकर जुन से कहती है क्या तुम्हें अब पता लग गया कि डिंगडोंग कितनी जोर से काट सकती है। जिस पर जुन हाँ कहता है। फिर डिंगडोंग अपने मन में सोचती है कि कौन डार्क गार्ड कैप्टन की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। जहाँ पर डिंगडोंग कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर जुन अलाया को जोर से आवाज लगाता है। जहाँ पर सभी लोग अलाया को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ जुन इन्हें बताता है हम अलाया के ऑर्डर को सुन सकते हैं, जिस पर राजा हाँ कहता है। लेकिन ये दूसरा व्यक्ति राजा को रोककर कहता है ये गॉड ऑफ लाइट लिनेज की मॉडल है। वहाँ मुंह इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और इस व्यक्ति से कहता है एक्शन एम्पायर के व्यक्ति गॉड के बराबर हैं। जहाँ पर राजा इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर गुस्सा हो जाता है और जुन से कहता है मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, जिस पर जुन राजा को शांत रहने के लिए कहता है। फिर वहाँ पर लिन कहती है कल हम मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, जिस पर राजा भी हाँ कहता है। फिर दूसरी तरफ हमें काइजर को दिखाया जाता है जो अपनी पावर का यूज करके इन सभी लोगों को देख रहा होता है। वहाँ हमें एक और डीमन को दिखाया जाता है जिसे देखकर काइजर बहुत ही खुश हो जाता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। हमें बिनाओं को फूल ले जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ बिनाओ इन फूलों को अपनी मदर की मूर्ति के सामने रखती है और उनसे कहती है जब मैं उस डेवल को हरा दूंगी तब मैं आपसे मिलने के लिए वापस आऊंगी और मैं अपने फादर और लैनो एम्पायर का उससे बदला लूंगी। इतना कहते ही वहाँ पर केसर आ जाता है और वो बिनाओ को अपनी पावर से अफेक्ट कर देता है, जिससे बिनाओ उसके वश में हो जाती है। फिर अगले ही सीन में हमें लड़ाई के मैदान को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत से लोग लड़ाई को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए होते हैं। वहाँ हमें पहली लड़ाई को दिखाया जाता है जो आयरन और डीमन मॉन्स्टर के बीच होती है। वहाँ ये सभी व्यक्ति मिलकर इस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। जहाँ पर राजा इस व्यक्ति को एक्शन एम्पायर के लोगों को देखने के लिए कहता है तो फिर ये व्यक्ति जुन को देखने लग जाता है। वहाँ जुन और ये सभी व्यक्ति भी इस लड़ाई को देख रहे होते हैं तो सैंडोरा जुन से कहती है ये मॉन्स्टर भी ताकतवर है। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर सैंडोरा से कहता है मैं बहुत ही हैरान हूँ कि तुमने ऐसा कुछ कहा। वहाँ सैंडोरा इस बात को सुनकर कहती है क्योंकि ये कार्बन से बना हुआ मॉन्स्टर है। फिर वहाँ लिन इनसे कहती है कि इस व्यक्ति के पास भी पोर्टल के आर्मर और वेपन है। वहाँ ये सभी लोग आयन व्यक्ति का नाम पुकारने लग जाते हैं। फिर ये व्यक्ति अगले मैच के बारे में इन सभी लोगों को बता देता है कि अब आयन व्यक्ति और एक्शन एम्पायर के सिपाही के बीच लड़ाई होगी। जहाँ पर लिन इस बात को सुनकर जुन से कहती है ये बहुत ही जल्दी नहीं हो गया। फिर लिन मंकी को पहले लड़ाई में जाने के लिए कहती है। जहाँ पर मंकी जल्दी से लड़ाई के मैदान में आ जाता है। वहाँ आयन व्यक्ति मंकी को देखकर कहता है क्या मैं तुमसे लड़ूंगा। जहाँ पर ये सभी लोग मंकी को देखकर हंसने लग जाते हैं। वहाँ आयन व्यक्ति इनसे कहता है ये व्यक्ति मेरा ओपोनेंट बनने के लायक नहीं है। फिर हमें जुन और कैप्टन को दिखाया जाता है। वहाँ कैप्टन इस व्यक्ति को देखकर हैरान हो जाता है तो जुन कैप्टन से पूछ
पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? जहाँ पर कैप्टन हाँ कहता है, वो जून को बताता है, मैं उससे पहले भी लड़ चुका हूँ। फिर आन व्यक्ति कैप्टन और मंकी को दोनों साथ में आने के लिए कहता है, जहाँ पर लिन कैप्टन को भी लड़ाई के मैदान में जाने के लिए कहती है। फिर अगले ही सीन में हमें इन्हें लड़ता हुआ दिखाया जाता है। वहाँ मंकी और कैप्टन दोनों मिलकर आयन व्यक्ति को हरा देते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग अपने पैसे को वापस मांगने लग जाते हैं। फिर लड़ाई के मैदान पर राजा खुद ही आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ एक्वा कहती है कि राजा कैसे लड़ाई के मैदान में आ सकता है, तो लिन इनसे कहती है क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के बीच अपने मैच को हार गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। फिर हमें कैप्टन और मंकी को दिखाया जाता है, जो राजा को लड़ाई के मैदान में देखकर डर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जून आ जाता है और वो राजा से कहता है, मैं लड़ाई को देखकर बहुत बोर हो चुका हूँ, तो अब मैं भी थोड़ा सा लड़ना चाहता हूँ। फिर जून मंकी और कैप्टन को यहाँ से जाने के लिए कहता है, जहाँ पर ये दोनों व्यक्ति यहाँ से जल्दी भाग जाते हैं। वहाँ जून अपनी गैया पावर का यूज करके एक पहाड़ को ही गायब कर देता है, जहाँ पर ये सभी लोग ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। लेकिन एक्सुआ अपनी पावर का यूज करके उस पहाड़ को वापस ले आती है। वहाँ राजा जून की पावर को देखकर उसके आगे झुक जाता है, जहाँ पर जून राजा को जल्दी से उठा देता है और उनसे कहता है, अब हम पक्का मिलकर काम करेंगे, है ना? वहाँ राजा इस बात को सुनकर जून से कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? जहाँ पर जून कहता है, मुझे ओल्टर के 40% प्रोडक्शन चाहिए। वहाँ राजा और ये सभी लोग इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन राजा थोड़ी देर सोचने के बाद इसके लिए हाँ कर देता है और ये सभी लोग इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर राजा वापिस से अपनी जगह में आकर बैठ जाता है। वहाँ ये व्यक्ति राजा को इसके बारे में सोचने के लिए कहता है, लेकिन राजा इस व्यक्ति को यहाँ से जाने के लिए कहता है और ये व्यक्ति यहाँ से चला जाता है। वहाँ मुंह और ये दोनों व्यक्ति ये देखकर हंसने लग जाते हैं। फिर वहाँ पर राजा बिनाओ से रॉयल सेना के बारे में पूछता है, जहाँ पर बिनाओ इसके बारे में कुछ कहने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर केसर आ जाता है और वो बिनाओ को अपने बस में कर लेता है। फिर दूसरी तरफ हमें जून और इन सभी व्यक्तियों को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ लिन जून से कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। तभी वहाँ पर बिनाओ लिन के पीछे आ जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जून लिन को बचा लेता है और उसका सारा अटैक अपने ऊपर ले लेता है। वहाँ सैंडोरा ये देखकर जल्दी से अपनी पावर का यूज करती है और इन दोनों को बचा लेती है। फिर ये सभी लोग इस लड़ाई को देखकर इस जगह से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर केसर बिनाओ की बॉडी से बाहर आ जाता है और सैंडोरा का मजाक उड़ाकर कहता है, तुम मुझे यहाँ पर देख भी नहीं सकी। जहाँ पर सैंडोरा इस बात को सुनकर केसर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन केसर को इस अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये केसर का एक क्लोन होता है। वहाँ ये सभी लोग केसर को देखकर घबरा जाते हैं, जहाँ पर राजा सैंडोरा से माफी मांगता है। वहाँ सैंडोरा इस बात को सुनकर राजा से कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। फिर वहाँ सैंडोरा जून और इन सभी लोगों को एक्शन बेस के अंदर ले जाती है और वहाँ ये सभी लड़कियाँ जून को इस हालत में देखकर घबरा जाती हैं। जहाँ पर लिन इनसे कहती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं पावरफुल होती तो जून के साथ ऐसा कभी भी नहीं होता। तभी वहाँ पर डिंगडोंग लिन को चुप रहने के लिए कहती है और उसे बताती है, तुम यहाँ पर अकेली नहीं हो। जहाँ पर सैंडोरा भी कहती है, डिंगडोंग सच कह रही है, इसमें हम सब भी जिम्मेदार हैं और तुम्हारी पावर अकेले इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकती थी। तभी वहाँ पर लिन कहती है, मुझे पहले ही इसका सलूशन मिल चुका है। जहाँ पर ये सभी लड़कियाँ इस बात को सुनकर खुश हो जाती हैं। फिर ये सभी जून को चेक करने लग जाते हैं। वहाँ पाओ इन सभी से कहती है कि जून कोमा में है। जहाँ पर ये सभी लड़कियाँ इस बात को सुनकर हैरान हो जाती हैं। फिर वहाँ पर अलाया सैंडोरा से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, आवास मेरे कलेक्शन को तोड़ नहीं सका है। इतना कहकर अलाया इन सभी लोगों को जून के सपने को बताती है। वहाँ हमें जून को सपने के अंदर एक चोर को पकड़ते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर जून इस कार की पावर का यूज करके उस चोर को पकड़ लेता है और उसे वो लॉलीपॉप भी वापिस ले लेता है।
हमें जुन को कॉलेज के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। वहां अलाया जुन को देखकर उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन एक दीवार अलाया को रोक लेती है, जहां पर अलाया ये देखकर हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है, ये दीवार यहाँ पर क्यों है। फिर वहां पर एक्वा आ जाती है, जो जुन को साथ में कॉलेज में चढ़ने के लिए कहती है, जहां पर ये दोनों साथ में अंदर चले जाते हैं। वहां अलाया ये देखकर हैरान हो जाती है कि यहां पर एक्सुआ क्या कर रही है, और वो जुन को यहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन जुन को अलाया की कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती है। फिर वहां काइजर अलाया के ऊपर अटैक कर देता है, जहां पर हमें पता लगता है कि ये सब कुछ काइजर कर रहा है। फिर अगले ही सीन में हमें पाओ को दिखाया जाता है, जो अपने सिस्टम को चेक कर रही होती है। वहां राजा और ये व्यक्ति एक्शन बेस में आए हुए होते हैं, जहां पर पाओ इस व्यक्ति से पूछती है, तुम यहां पर क्यों आए हो। वहां ये व्यक्ति कहता है, हम यहां पर माफी मांगने के लिए आए हैं। तो पाओ इस बात को सुनकर उन्हें यहां से वापिस जाने के लिए कहती है। फिर वहां पर सैंडोरा आती है, जो पाओ से कहती है, हम केसर के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो लिन इस बात को सुनकर सैंडोरा से पूछती है, जुन का क्या होगा। जहां पर सैंडोरा बताती है कि जुन को कुछ भी नहीं होगा, वहां क्वीन इस बात को सुनकर खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि केसर ने अलाया को जुन के शरीर से बाहर फेंक दिया है। वहां ये सभी लड़कियां अलाया को बाहर देखकर हैरान हो जाती है। वहां पाओ जुन को देखकर सैंडोरा को बताती है कि आवाज की एनर्जी गायब हो रही है। जहां पर सैंडोरा अलाया को उसके साथ चलने के लिए कहती है, वहां अलाया इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है। फिर सैंडोरा और अलाया एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें राजा और इस व्यक्ति को दिखाया जाता है। वहां राजा रोते हुए कहता है, मैं अकेला ही यहां पर उनसे माफी मांगने के लिए आया था। तो ये व्यक्ति कहता है, लेकिन मुझे आपकी चिंता थी। फिर ये व्यक्ति राजा के पास आकर कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि एक एक्शन एम्पायर का रूलर उस अटैक से नहीं बच पाया। वहां राजा भी इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाता है, और तभी वहां पर चिल्ड आ जाता है, जहां पर राजा और इस व्यक्ति को लगता है यहां पर कोई एक्शन एम्पायर का व्यक्ति है, और फिर ये दोनों व्यक्ति एक्टिंग करने लग जाते हैं। वहां चिल्ड इन दोनों व्यक्तियों को आवाज लगाकर कहता है कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं। जहां पर राजा और ये व्यक्ति चिल्ड की आवाज को सुनकर शांत हो जाते हैं और चिल्ड से पूछते हैं, तुम यहां पर क्या कर रहे हो। वहां चिल्ड इन्हें बताता है कि मैंने लोगों से सुना कि आप यहां पर हैं, तो मैं यहां पर आ गया। फिर ये व्यक्ति राजा से कहता है, हमें प्लान भी शुरू करना होगा, जिस पर राजा भी हाँ कहता है, और ये चिल्ड को पीछे आने के लिए कहते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें सैंडोरा को दिखाया जाता है, जो जुन के सपने के अंदर गई होती है। वहां जुन बहुत से सपनों को देख रहा होता है, जहां पर सैंडोरा जुन के सपने को देखकर हैरान हो जाती है और अलाया को यहां से जल्दी ले जाती है। फिर सैंडोरा अपनी पावर का यूज करके अलाया को जुन के सपने के अंदर ले जाती है। फिर दूसरी तरफ हमें जुन को घर के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन आसमान से बहुत सारा पैसा गिरने लग जाता है, जहां पर जुन उन पैसों को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर वहां पर क्वीन आती है, जो जुन से पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कैसे आया। जहां पर जुन बताता है कि ये सारा पैसा आसमान से गिरा है। वहां क्वीन इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है, और तभी वहां पर एक्सवा आ जाती है, जो इतने सारे पैसों को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वापस से हमें सैंडोरा और अलाया को दिखाया जाता है, जो जुन के सबसे बड़े सपने के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां अलाया ये देखकर जल्दी से जुन के सपने के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाती है। जहां पर सैंडोरा अपनी पावर का यूज करके उस सपने के बैरियर को तोड़ देती है। फिर दूसरी तरफ हमें इन सभी लोगों को घूमते हुए दिखाया जाता है।
वहां जुन घर आकर अपने बैलेंस को देखकर हैरान हो जाता है। तो क्वीन उससे कहती है सेंडोरा के खाने का बिल सबसे ज्यादा आया है। जहां पर जुन ये सोचकर हैरान हो जाता है कि ये पैसा इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया। वहां हमें पता लगता है कि ये सब कुछ एसर कर रहा है ताकि जुन उसके जाल में फंस जाए। फिर वहां जुन इन सभी से कहता है अगली बार सेंडोरा हमारे लिए पैसे देगी। यहाँ पर केसर ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो जुन को एक और जाल के अंदर फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन जुन उस जाल से भी बच जाता है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केसर गुस्सा होकर जुन को कॉलेज के ग्राउंड में भेज देता है। वहाँ जुन ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर वहाँ पर एक्सुआ जुन के पास आकर उसे घूमने के लिए कहती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, जिस पर जुन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ये तीनों लड़कियां घूमने के लिए चली जाती हैं। वहां बहुत से लोग सेंडोरा को देखकर उसकी तरफ भागते हैं। जहां पर जुन ये देखकर हैरान हो जाता है, वहां सेंडोरा जुन को देखकर उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। जहां पर जुन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हमें फ्लटर को दिखाया जाता है जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वहाँ ये लड़का फ्लटर के पास जाकर उसे हाथ लगाने लग जाता है। तभी वहाँ पर फ्लटर उड़ जाता है और इन सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाता है। जहाँ पर जुन ये देखकर अपनी गैया पावर का यूज करता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। वहाँ ये सभी लोग जुन की पावर को देखकर उससे इसके बारे में पूछने के लिए आ जाते हैं। जहाँ पर जुन ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ केसर सोचता है कि जुन अब फंस चुका है, लेकिन जुन तभी वहाँ से भागकर अपने घर में पहुँच जाता है। वहाँ केसर जुन के लिए बहुत सी जाल बिछाता है, लेकिन जुन केसर की किसी भी जाल के अंदर नहीं फंसता है। जहाँ पर केसर ये देखकर जुन को जबरदस्ती ही लोगों को मारने के लिए कहता है। वहाँ जुन ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसका बैरियर भी टूट जाता है। फिर हमें सेंडोरा और अलाया को दिखाया जाता है जो बैरियर को टूटता हुआ देखकर हैरान हो जाती हैं। वहाँ अलाया सेंडोरा से कहती है आपने इस बैरियर को तोड़ दिया। जहाँ पर सेंडोरा कहती है ये मैंने नहीं किया बल्कि ये जुन ने खुद किया है। हमें जुन को दिखाया जाता है जहाँ पर केसर जुन से कह रहा होता है तुम मुझे एक बार बोलो मैं इन सभी लोगों को मार दूंगा। और फिर केसर जुन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जुन उसके अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। वहाँ केसर ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। तो जुन केसर से कहता है मुझे पता था कि इसके पीछे तुम ही होगे। जहाँ पर केसर इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और जुन से पूछता है तुम आवाज से इफेक्टेड क्यों नहीं हुए। वहाँ जुन बड़े ही मजे से केसर को जवाब देता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है। तो केसर जुन से पूछता है तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता लगा। जहाँ पर जुन केसर की बहुत सारी गलतियों को बताता है। वहाँ केसर इस बात को सुनकर जुन को चुप रहने के लिए कहता है और फिर केसर जुन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर सेंडोरा आ जाती है जिसके बाद केसर नीचे गिर जाता है। वहाँ जुन सेंडोरा को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसके गालों को टच करने लग जाता है। जहाँ पर सेंडोरा ये देखकर हैरान हो जाती है और जुन को एक जोरदार मुक्का मारती है। वहाँ अलाया ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और जुन के पास जाने लग जाती है, लेकिन सेंडोरा उसे रोककर कहती है कि जुन अभी भी आवाज से इफेक्टेड है। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर सेंडोरा को समझाता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तभी वहाँ पर केसर सेंडोरा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सेंडोरा अपनी पावर का यूज करके केसर के इस अटैक से बच जाती है। जहाँ पर केसर अपने बहुत सारे क्लोन बना देता है, लेकिन सेंडोरा अपनी पावर का यूज करके उन सभी क्लोन्स के ऊपर अटैक कर देती है। वहाँ केसर इस अटैक के बाद नीचे गिर जाता है। तो जुन ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वहाँ सेंडोरा जुन से कहती है कि अब हमारा यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है। तो जुन इस बात को सुनकर सेंडोरा से कहता है अभी हम यहाँ से वापिस नहीं जा सकते। वहाँ सेंडोरा जुन की बातों को सुनकर उसके गले लग जाती है और उससे कहती है ये बहुत अच्छी बात है कि आवाज तुम्हारे दिमाग को इफेक्ट नहीं कर सका है। फिर वहाँ पर अलाया सेंडोरा से कहती है तुम दोनों बहुत ही नजदीक हो। जहाँ पर सेंडोरा इस बात को सुनकर जल्दी से पीछे
पीछे हट जाती है। वो जुन से कहती है, हम काइजर के फ्यूचर वर्ल्ड के अंदर जा रहे हैं। इतना कहकर सेंडोरा अलाया को पहले जाने के लिए कहती है। वहाँ अलाया इस बात को सुनकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर जुन सेंडोरा से पूछता है, हम काइजर के साथ क्या करेंगे। तभी वहाँ पर काइजर सेंडोरा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सेंडोरा काइजर के ऊपर अटैक कर देती है और जुन को एक दरवाजे के सामने ले जाती है। वहाँ जुन ये देखकर हैरान हो जाता है, तो सेंडोरा उसे बताती है, ये डोर काइजर के क्लोन के लिए है, जिसकी वजह से काइजर के क्लोन फ्यूचर वर्ल्ड के अंदर आ रहे हैं। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है। फिर ये दोनों व्यक्ति अपनी पावर का यूज करके इस डोर को खोल देते हैं। तभी वहाँ पर काइजर को इस डोर के खुलने के बारे में पता लग जाता है। वह काइजर इन दोनों व्यक्तियों को अपनी पावर में फंसा देता है, जहाँ पर सेंडोरा और जुन को अपनी 1000 ईयर को सर्वाइव करना होगा। फिर हमें जुन के पहले डर को दिखाया जाता है, जहाँ पर जुन एक क्लासरूम के अंदर अपने एग्जाम को दे रहा होता है। वहाँ जुन ये देखकर हैरान हो जाता है। वो तभी वहाँ पर जुन के सामने एक पर्ची गिरती है, जहाँ पर जुन जैसे ही उस पर्ची को उठाता है तो वो टीचर जुन को पकड़ लेता है और उसे एग्जाम से बाहर निकाल देता है। फिर हमें जुन को एग्जाम की लिस्ट देखते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक्सो आ जाती है और वो जुन के ऊपर अटैक कर देती है, तो यहाँ पर जुन का पहला डर खत्म हो जाता है। फिर हमें सेंडोरा के डर को दिखाया जाता है, जहाँ पर सेंडोरा कितना भी खाए लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ता है। तभी वहाँ पर एक्सवा सेंडोरा को अपना वेट चेक करने के लिए कहती है, जहाँ पर सेंडोरा जैसे ही अपने वेट को चेक करती है तो उसका वेट बहुत ही ज्यादा आता है। ये देखकर सेंडोरा बहुत ही डर जाती है। फिर अगले ही सीन में हमें अलाया को बेस के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ एक्सवा अलाया से पूछती है कि जुन कैसा है, जहाँ पर अलाया कहती है, आप चिंता मत कीजिए, जुन बिल्कुल ठीक है। वहाँ एक्सवा इस बात को सुनकर अलाया से पूछती है, पर जुन अभी तक उठा क्यों नहीं। तो अलाया कहती है, जुन और सेंडोरा दोनों मिलकर फ्यूचर वर्ल्ड में फाइट बैक कर रहे हैं। जहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ इस बात को सुनकर हैरान हो जाती हैं। फिर अगले ही सीन में हमें वापिस से जुन और सेंडोरा को दिखाया जाता है, जो अभी भी अपने डर को सर्वाइव कर रहे होते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें एक्सवा को दिखाया जाता है, जो अलाया की बातों को सुनकर जुन के ऊपर बहुत गुस्सा होती है। जहाँ पर अलाया एक्सवा से कहती है, आप जुन की इमेजिनेशन से बहुत ही अलग हैं। वहाँ एक्सवा इस बात को सुनकर शांत हो जाती है। फिर वहाँ पर पाओ इन सभी लोगों से कहती है कि बेस के बाहर बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं। जहाँ पर ये सभी लड़कियाँ इस बात को सुनकर हैरान हो जाती हैं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत से सिपाही खड़े हुए होते हैं। वहाँ लिन राजा से कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जहाँ पर राजा लिन से कहता है, आप हमें गलत मत समझो, हम यहाँ पर एक्शन एम्पायर की हेल्प करने के लिए आए हैं। वहाँ लिन इस बात को सुनकर राजा से कहती है, आपको गलतफहमी हुई है, हमें कोई भी खतरा नहीं है और ना ही हमें आपसे कोई हेल्प चाहिए। इतना कहकर लिन वहाँ से जाने लग जाती है। जहाँ पर ये व्यक्ति लिन को रोककर कहता है, तुम हमें यहाँ से क्यों भेजना चाहती हो। वहाँ लिन इस बात को सुनकर अपनी गन को निकाल लेती है और इनके साइड में अटैक करती है। जहाँ पर ये सभी व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं, तो लिन इनसे कहती है कि लगता है लड़ाई शुरू हो चुकी है। तभी वहाँ पर हमें पता लगता है कि चिल्ड और आदि सेना आवाज से अफेक्टेड है। जहाँ पर राजा और ये व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं, वहाँ इन दोनों सेना के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर ये तीनों लड़कियाँ भी बाहर आ जाती हैं। वहाँ क्वीन लिली को बताती है कि जुन बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे उठने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर वहाँ पर एक्सवा लिन से पूछती है, यहाँ पर हो क्या रहा है। जहाँ पर डिंगडोंग कहती है, मुझे आवाज की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो लिन इन्हें बताती है कि इनकी आधी सेना आवाज से अफेक्टेड है। फिर हमें राजा और इस व्यक्ति को दिखाया जाता है, जो इनके आगे झुक कर अपनी हार मानते हैं और इनसे इसके लिए माफी मांगते हैं। फिर वहाँ पर काइजर आ जाता है, जहाँ पर ये सभी व्यक्ति उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ अलाया काइजर से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो जुन और सेंडोरा कहाँ पर हैं। जहाँ पर काइजर कहता है, मैंने उन दोनों व्यक्तियों को फ्यूचर वर्ल्ड के अंदर फंसा दिया है। तभी वहाँ पर लिन इन सभी से कहती है,
हमें बस काइजर को रोक के रखना है। जब तक जून और सैंडोरा वापस नहीं आ जाते, हमें इन सभी लोगों को लड़ते हुए दिखाया जाता है। वहाँ लिली अपनी पावर का यूज करके केसर के मोस्टर्स को मार देती है, जहाँ पर केसर ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो बहुत से मोस्टर्स को समन करता है, लेकिन लिली उन्हें भी मार देती है। फिर वहाँ पर और मोस्टर आते हैं, लेकिन ये सभी लड़कियाँ अपनी पावर का यूज करके उन सभी मोस्टर्स को मार देती हैं। वहाँ लिन इन सभी से कहती है, हमें बस उन्हें रोककर रखना है जब तक जून और सैंडोरा वापस नहीं आ जाते। फिर दूसरी तरफ हमें जून और सैंडोरा को दिखाया जाता है, जो अभी भी केसर के जाल के अंदर फंसे हुए होते हैं, लेकिन जून इस बार केसर के जाल को तोड़ देता है। वहाँ जून ये देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ पर था क्या। फिर जून को सैंडोरा दिखाई देती है और वो जल्दी से उसके पास जाता है। वहाँ सैंडोरा को लग रहा होता है कि ये उसका स्काई जोन और ये लोग उसके हैं, जिसके बाद सैंडोरा जून के ऊपर अटैक कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जून उसका दुश्मन है। जहाँ पर जून ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर सैंडोरा जून के ऊपर दोबारा से अटैक करने लग जाती है, लेकिन इस बार जून सैंडोरा को सभी खानों के नाम बताता है। वहाँ सैंडोरा ये नाम सुनकर होश में आ जाती है और फिर जून सैंडोरा से कहता है, हम जब केसर को हरा देंगे उसके बाद मैं तुम्हें ये सब कुछ खिलाऊंगा। जहाँ पर सैंडोरा इस बात को सुनकर खुश हो जाती है। फिर सैंडोरा अपनी पावर का यूज करके केसर के इस जाल को तोड़ देती है। वहाँ जून ये देखकर हैरान हो जाता है, तो सैंडोरा जून से कहती है, हमें जल्दी से केसर की असली बॉडी ढूंढनी होगी। इतना कहकर सैंडोरा वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर केसर का क्लोन इनके ऊपर अटैक कर देता है। पर सैंडोरा अपनी पावर का यूज करके उस क्लोन को मार देती है, जहाँ पर जून ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। वो दूसरे क्लोन को खुद ही मारने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन ये क्लोन इन दोनों को इग्नोर करके वहाँ से भागने लग जाता है। वहाँ सैंडोरा ये देखकर उस क्लोन को पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ से क्यों भाग रहे थे। जहाँ पर क्लोन कहता है, वो आ रहा है, अगर तुम भी यहाँ से नहीं भागे तो वो तुम्हें भी मार देगा। वहाँ सैंडोरा और जून इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर तभी वहाँ पर असली केसर आ जाता है, जहाँ पर ये दोनों केसर को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ सैंडोरा की भी आवास एनर्जी आ जाती है, जहाँ पर सैंडोरा ये देखकर डर जाती है। फिर केसर सैंडोरा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जून सैंडोरा को बचा लेता है और फिर ये दोनों मिलकर केसर के साथ लड़ने लग जाते हैं। वहाँ ये दोनों मिलकर केसर को नहीं हरा पाते हैं, तो जून अपनी फुल गैया पावर का यूज करता है, जिसके बाद सैंडोरा और जून मिलकर केसर को थोड़ी सी चोट बचा देते हैं। फिर केसर वहाँ से गायब हो जाता है और इनके ऊपर अपनी पावर से अटैक करता है। वहाँ ये दोनों व्यक्ति इस पावर को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत से दरवाजे होते हैं और जिनसे इनके ऊपर अटैक होता है। वहाँ जून गलती से एक दरवाजे के अंदर चला जाता है और फिर हमें एक छोटे से मोस्टर को दिखाया जाता है, जो जून को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जून को होश आ जाता है, जहाँ पर ये मोस्टर जून को उड़ता देखकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ जून इस जगह को देखकर हैरान हो जाता है और इस मोस्टर से कहता है, क्या तुम केसर हो। जहाँ पर ये मोस्टर इस बात को सुनकर जून के ऊपर अपनी पावर से अटैक करता है, लेकिन इसकी पावर इतनी कम होती है कि जून को इस अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ जून ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और फिर ये मोस्टर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जून उसे पकड़ लेता है। फिर दूसरी तरफ हमें सैंडोरा को दिखाया जाता है, जो अभी भी केसर के जाल के अंदर फंसी होती है। वहाँ ये सभी दरवाजे एकदम से सैंडोरा के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके बाद हमें वापिस से जून को दिखाया जाता है, जो इस मोस्टर से केसर के बारे में पूछ रहा होता है। जहाँ पर जून को पता लग जाता है कि वो पंखों वाला ही असली केसर है और बाकी सभी एक क्लोन है, जिस पर ये मोस्टर भी हाँ कहता है। वहाँ जून इन सभी बातों को सुनकर हैरान हो जाता है और इस मोस्टर से पूछता है कि अगर हम असली केसर को मार दें तो ये सभी क्लोन भी मर जाएंगे, जिस पर ये मोस्टर जून को इग्नोर करने लग जाता है। फिर वहाँ पर जून इस रेड बॉल को देखकर उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये मोस्टर जून के हाथ लगाने से पहले ही उस बॉल को लेकर भाग जाता है। जहाँ पर जून ये देखकर उस मोस्टर को रुकने के लिए कहता है, वहाँ ये छोटा मोस्टर जैसे ही रुकता है, तभी वहाँ पर एक दूसरा मोस्टर उसके ऊपर अटैक करके उस बॉल को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन जून इस छोटे मोस्टर को बचा लेता है। फिर वहाँ पर ये मोस्टर इनके पीछे लग जाता है
लेकिन ये छोटा मॉन्स्टर अपनी पावर का यूज करता है, जिससे ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें सैंडोरा को दिखाया जाता है। वहाँ एक अटैक सैंडोरा को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर ये अटैक रुक जाता है और ये मैजिक भी टूट जाता है। यहाँ पर सैंडोरा ये देखकर हैरान हो जाती है कि यहाँ पर हुआ क्या। फिर हमें जुन को दिखाया जाता है, जो सैंडोरा को वही बॉल दिखाता है। वहाँ सैंडोरा उस बॉल को देखकर जुन से कहती है कि यही थिंकिंग कोर है। फिर वहाँ पर असली केसर आ जाता है, लेकिन केसर उन दोनों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर सैंडोरा और जुन ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि केसर उन्हें इग्नोर करके कैसे चला गया। फिर वहाँ पर जुन को उस छोटे मॉन्स्टर की बात याद आती है और वो उन सभी बातों को सैंडोरा को बताता है। वहाँ सैंडोरा उन सभी बातों को सुनकर हैरान हो जाती है और जुन से कहती है कि केसर उन लोगों को ही मारेगा जो आवाज से इफेक्टेड है, जिस पर जुन हाँ कहता है। और फिर ये दोनों वापिस से रियल वर्ल्ड में चले जाते हैं। हमें सेना को लड़ते हुए दिखाया जाता है। वहाँ नकली काइजर अपनी पावर का यूज करके बहुत सारे मॉन्स्टर्स को समन कर देता है, जहाँ पर ये लड़कियाँ ये देखकर हैरान हो जाती हैं, जिसके बाद ये सभी ड्रैगन मॉन्स्टर बेस के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। जहाँ पर एक्सुआ ये देखकर इन सभी लड़कियों को बताती है कि ये मॉन्स्टर्स बेस के ऊपर अटैक करने वाले हैं, जिसके बाद हमें नकली केसर को दिखाया जाता है, जो ये सब कुछ देखकर बहुत ही खुश होता है। लेकिन लिली अपनी पावर का यूज करके उन मॉन्स्टर्स को मार देती है। जहाँ पर नकली काइसर ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर लिली काइसर के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर लिन लिली को काइसर के ऊपर अटैक करने से रोक देती है और उसे आसमान के ऊपर अटैक करने के लिए कहती है। जिसके बाद हमें पाओ को दिखाया जाता है, जो इन सभी लोगों को बताती है कि बेस के ऊपर कुछ आने वाला है। और तभी वहाँ पर काइसर बेस के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को समन करने लग जाता है, लेकिन लिली अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर अटैक करती है, पर उस अटैक से वहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो लिन इन लड़कियों से कहती है, मुझे तुम्हारी पावर की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद हमें बहुत से मॉन्स्टर को उनकी तरफ आते हुए दिखाया जाता है। वहाँ ये सभी लड़कियाँ अपनी पावर का यूज करके उन मॉन्स्टर्स को थोड़े टाइम के लिए रोक देती है। जहाँ पर काइजर ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर वहाँ पर जून और सैंडोरा भी आ जाते हैं, जिसके बाद काइसर उन दोनों को यहाँ पर देखकर और हैरान हो जाता है और उनसे कहने लग जाता है, तुम मेरे जहाज से कैसे बाहर आ सकते हो। फिर हमें थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काइसर इन दोनों को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आवाज की एनर्जी अब क्लोन्स में चली गई होती है, जिसकी वजह से असली काइसर उन सभी क्लोन्स को मारने लग जाता है। जिसके बाद जून और सैंडोरा वापिस से रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें वापिस से जून और सैंडोरा का दिखाया जाता है, जो दोनों मिलकर अपनी पावर का यूज करके आवाज पोर्टल को खोल देते हैं। जहाँ पर काइसर ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। वो सैंडोरा से कहता है, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है, वो तुम्हें क्या लगता है ये मॉन्स्टर तुम्हारे साथ मिलकर आवास मॉन्स्टर्स को मार देगा। ये सब कुछ तुम्हारे सपने में होगा, लेकिन ये मॉन्स्टर इस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देगा। फिर वहाँ पर असली केसर अपनी एक ही पावर से इन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है और जो लोग आवास से इफेक्टेड होते हैं उन्हें भी ठीक कर देता है। वहाँ नकली काइसर ये सब कुछ देखकर इस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन असली काइसर उसे भी मार देता है। जहाँ पर एक्सुआ ये देखकर हैरान हो जाती है। जिसके बाद हमें राजा और इस व्यक्ति को दिखाया जाता है, जो ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। फिर वहाँ एक्वा जुन के पास आकर कहती है, क्या अब सब कुछ खत्म हो गया है। जहाँ पर जुन उसे कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्वीन इनके पास आकर कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। जिसके बाद हमें असली केसर को दिखाया जाता है, जो अपनी पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ ये सभी लोग ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर काइसर और इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वहाँ ये सभी लोग मिलकर काइसर के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन काइसर बड़ी आसानी से इनके अटैक से बच रहा होता है। जहाँ पर सैंडोरा ये देखकर हैरान हो जाती है और फिर सैंडोरा और केसर के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है।
वहाँ ये सभी लोग इस तरह की लड़ाई को देखकर हैरान हो जाते हैं। तो जुन इनसे कहता है, क्या इस तरह की लड़ाई होती है दो एक्शन रूलर के बीच? फिर वहाँ एक्सवा जुन से पूछती है, ये मोस्टर कौन है जिससे सैंडोरा लड़ रही है? तो जुन उन्हें बताता है कि यही असली केसर है। वहाँ ये सभी लड़कियाँ इस बात को सुनकर हैरान हो जाती हैं। तो क्वीन जुन से पूछती है, क्या सैंडोरा उसे अकेले हरा सकती है? जिस पर जुन कहता है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, सैंडोरा उसे हरा सकती है कि नहीं। फिर वहाँ लिली केसर से लड़ने लग जाती है। तो सैंडोरा ये देखकर जुन के पास आ जाती है और उससे पूछती है, तुम्हारा क्या आइडिया है? जहाँ पर जुन बताता है, क्या तुम थोड़े टाइम के लिए केसर को कंट्रोल कर सकती हो? जिस पर सैंडोरा कहती है कि मैं कोशिश करूंगी। फिर सैंडोरा डिंगडोंग से कहती है, तुम मुझे मोस्ट पावरफुल लाइफ देना। जिस पर डिंगडोंग भी हाँ कहती है और उसे अपनी पावर दे देती है। जिसके बाद डिंगडोंग बताती है, ये पावर सिर्फ 15 मिनट के लिए ही होगी। फिर हमें वापस से लिली को दिखाया जाता है जो अभी भी केसर के साथ लड़ रही होती है। वहाँ केसर लिली के ऊपर पावरफुल अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सैंडोरा आ जाती है और वो उस अटैक को रोक लेती है। फिर हमें दूसरी तरफ इन सभी व्यक्तियों को हिलते हुए दिखाया जाता है। वहाँ जुन इनसे पूछता है, हम ऐसे क्यों हिल रहे हैं? तो डिंगडोंग बताती है, क्योंकि हम सभी सैंडोरा के दर्द को आपस में बांट रहे हैं। जिसके बाद हमें सैंडोरा को केसर के ऊपर अटैक करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ एक्वा अपनी पावर से केसर को पकड़ लेती है, जहाँ पर जुन भी वॉइड ब्लेड अटैक का यूज करता है और उस अटैक को करते वक्त अपनी पिछली बातों को याद करने लग जाता है। लेकिन जुन इस अटैक से केसर को मार देता है। वहाँ ये सभी लोग इस तरह के अटैक को देखकर हैरान हो जाते हैं। तो एक्सुआ जुन से पूछती है, ये क्या था? जहाँ पर जुन हंसते हुए कहता है, ये मेरी नई पावर थी। फिर हमें सैंडोरा को दिखाया जाता है जो केसर को गुड बाय कहती है। फिर अगले ही सीन में हमें इन सभी लोगों को बहुत ही खुश दिखाया जाता है। जिसके बाद हम जुन और इन सभी लड़कियों को महल के अंदर देखते हैं। वहाँ ये तीनों व्यक्ति इनके पास आकर कहते हैं, ये बहुत ही खुशी का टाइम है। जिसके बाद हमें एक्सवा को दिखाया जाता है जो जुन से कह रही होती है कि सैंडोरा अपने कमरे से बाहर नहीं आ रही है। वहाँ जुन इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तो एक्सवा उसे सैंडोरा के पास जाने के लिए कहती है, जहाँ पर जुन जल्दी से सैंडोरा के पास जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें सैंडोरा को दिखाया जाता है जो एक कमरे के अंदर चुपचाप बैठी होती है। वहाँ जुन सैंडोरा के पास आता है तो सैंडोरा उससे कहती है, मैं केसर के मरने पर दुखी हूँ। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर सैंडोरा को हंसाने लग जाता है। वहाँ सैंडोरा भी ये देखकर हंसने लग जाती है। जिसके बाद हमें इन सभी लोगों को साथ में दिखाया जाता है। वहाँ लिन कैप्टन से कहती है, अब तुम इस बेस को संभालोगे। जहाँ पर कैप्टन इस बात को सुनकर रोने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर डिंगडोंग रोने लग जाती है। जहाँ पर ये सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ डिंगडोंग इन्हें बताती है, अब हम सब अलग हो जाएंगे और क्या हम सब हमेशा के लिए साथ में नहीं रह सकते? जिस पर जुन कहता है, तुम बहुत ही ताकतवर हो और मुझे पक्का विश्वास है हम कभी न कभी पक्का मिलेंगे। जिस पर डिंगडोंग कहती है, क्या सच में? जहाँ पर जुन भी उसे प्रोमिस करता है, लेकिन डिंगडोंग उसकी उंगली को पकड़कर आंसुओं को पोंछने लग जाती है। जिसके बाद हमें इन सभी लोगों को यहाँ से जाते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें जुन और इन सभी लड़कियों को कॉलेज के गेट के सामने खड़ा हुआ दिखाया जाता है। वहाँ जुन इस जगह पर आकर बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और वो जुन से कहती है, ये तुम्हारा इनाम है। वहाँ जुन इस कार को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन जुन लिन से कहता है, मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करूँगा। जहाँ पर लिन जुन को कार में बिठाकर उसे बताती है, मैं तुम्हें बीच में जाने के लिए कह रही हूँ, ना कि मैं तुम्हें ये कार दे रही हूँ। जिसके बाद हमें इन सभी लोगों को बीच में जाकर मजे करते हुए दिखाया जाता है और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।